डिनर हो गया है स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहीरा ब्लॉग। आज है फ्राइडे, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। कुकिंग वगैरह से फ्री होके देन थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं फ्री हो गई हूँ। सो आज जो है मम्मी के घर पे गया भी, मैं उसके लिए रेडी होने लगी, अपने कामों से फ्री हो गई हूँ। अभी मैंने शावर लिया है, अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। कल यहाँ भी गया भी थी मेरे घर पे, लेकिन मैं उसका जो है वो शूट नहीं कर सकी, थोड़ा बिजी थी इसकी वजह से। बट होपफुली आज जो है मैं अपना ब्लॉग जो है वो शूट कर दूँ और आप लोगों के साथ अपनी मेमरीज जो है आज की वो शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना जो है वो मेकअप स्टार्ट कर। आज जो है मम्मी के घर पे गया भी, मैं उसके लिए रेडी होने लगी, अपने कामों से फ्री हो गई हूँ। अभी मैंने शावर लिया है, अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। कल यहाँ भी गया भी थी मेरे घर पे, लेकिन मैं उसका जो है वो शूट नहीं कर सकी, थोड़ा बिजी थी इसकी वजह से। बट होपफुली आज जो है मैं अपना ब्लॉग जो है वो शूट कर दूँ और आप लोगों के साथ अपनी मेमरीज जो है आज की वो शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना जो है वो मेकअप स्टार्ट कर। ओके जी, सो मेरा मेकअप हो गया है, ऑलमोस्ट डन। कुछ चीज़ें बाकी हैं छोटी छोटी जो मैं घर जाके ही अब कंप्लीट करूँगी। तो अभी मुझे अपना जो बैग्स वगैरह लेने हैं, सैंडल, वो मैं जाके देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा बैग लेके जाना है, क्योंकि वार्डरोब भी मिल गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये गरारा मैंने लोकल मार्केट से लूज़ फैब्रिक लेके उसको खुद स्टिच करवाया है, और ये शर्ट जो अनस्टिच थी बट इट वॉज फ्रॉम सतरंगी। सो इस तरह जो है ये पूरा ड्रेस जो है तैयार हो गया। शर्ट भी एक्चुअली मेरी गिफ्टेड थी और इसके ऊपर मैंने जो है ये लेस भी लगवाई थी। ये शर्ट मुझे गिफ्टेड थी तो मैंने इस तरह पूरा ड्रेस जो है वो तैयार करवा लिया। और एक पिक्चर थी जिसमें, पिक्चर भी मैं आगे शो करती हूँ, जिसमें जो है वो वाइट मैं था, ये लुक गरारे का, तो उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये जो है वो ड्रेस तैयार की थी। मैंने ब्लैक और गोल्ड में किया, और जो पिक्चर थी वो वाइट और गोल्ड पर थी। अब मैं ये ड्रेस आपको स्टाइल करके दिखाती हूँ। एक्चुअली ये जो शर्ट थी ये गिफ्टेड थी, शाजिब के कज़न है सिकंदर, उन्होंने ये शर्ट मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, तो इसको मैंने आज जो है पहनी है पूरा रेडी करा के। चलें जी, ये है इसकी लुक, गरारे पर भी इसके फ्रिल लगी हुई। फलो लूँ ये ग्रीन, आई थिंक ये ग्रीन वाला भी, ये दानिश भाई जब रियाद से आए थे तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो अभी ये बिल्कुल न्यू रखा हुआ है। इसकी पैकिंग भी मैंने मतलब अभी हटाऊंगी, ये सारे टैग्स वगैरह। तो बैग जो है आज मैं यही लेके जा रही हूँ इसके साथ, और इसके साथ ये फ्रेग्रेंस भी वो मेरे लिए लेकर आए थे। फ्रेग्रेंस तो अभी मैं रख दूँ उठा के यहीं पर ही, उसका भी कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ जो है ये बैग लेके चलते हैं। अब मैं अम्मी के घर पर आ गई हूँ और यहाँ पर जो है अभी ये लोग रेडी हो रहे हैं। देन अब मैंने मतलब बच्चों को वैसे का आज आए नहीं है, ट्यूशन से आता है, लेकिन हाथ आया था तो मैंने उसको यहीं पर बिठा लिया, वो भी वहाँ दूसरे रूम में बैठ के पढ़ रहा है। लैशेज़ मैंने वहाँ लगाई नहीं थी, लैशेज़ मैंने अभी यहीं आके स्टिक की हैं। अभी हेयर डू मेरा अभी भी बाकी है, तो अब मैं जो है वो अपना हेयर डू करवाती हूँ। अभी मैं अम्मी के घर पर आ गई हूँ, लेकिन अम्मी यहाँ पर नहीं थी, अम्मी मार्केट गई हुई थी। अम्मी अब आ गई हैं और ये बच्चा स्कूल लेके कहाँ आया हो, पढ़ने दो, हाथ को पढ़ने दो, आ गई, टोकरा लेने गई थी। हाँ आ गई, धनिया वनिया नहीं लाया, आ रही होंगे अभी, चादर नहीं बिछेगी पहले, दरी बिछेगी उसके ऊपर, नीली चादर बिछाऊंगी, बहुत अंदर आइए शाजिन, अंदर आ जाएं, कम इनसाइड, खाली तीन दरी लिया, कम यार, नो डोंट गो देयर, अंदर अंदर आके चाय बना लिया, कम यार, कम 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 कम, ये बच्चा कबाड़ा कबाड़ा करने वाला बच्चा है, कबाड़ा करने वाला बच्चा है, अभी छत पे चला गया था ये बच्चा। तातो से चाचा, चाचा बोलते हैं, ताता से। चलो जी, मिलाद की तैयारियां शुरू। ओ दादी, ब्रिंग इट फॉर यू, टेक इट, टेक इट, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, टेक इट, दिस इज योर्स, ओ वाह, से थैंक यू, शेजी से थैंक यू, ओह यू डोंट लाइक दिस। ग्यारहवीं में हम लोग का एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मिठाई का ये टोकरा ज़रूर होता है, अभी अम्मी यही लेने गई हुई थी मार्केट। इसके अलावा जो मिलाद के लिए फ्लावर्स और गजरे वगैरह चाहिए थे वो भी आ गए हैं सारे इधर, और ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो अभी मैं लगाने लगी हूँ। कितना शोर कर रहा है आज ये,
टू बारह गए। चलो जी ये वाली सही उठाऊं टेबल, ये तो हमने यहाँ भी छा दिया, यहाँ पे दो और आ जाएंगी, ये वाली भी। बाकी ऊपर की जो डेकोरेशन शादी में की थी हमने वही हुई हुई है अभी तक, बस नीचे हम लोग जो है वो अभी दरिया बिछा रहे हैं। दरी हमने यहाँ पे लग गई हैं, यहाँ पे दोनों चेयर्स आ गई हैं, मिलात वाली बैठ जाएगी और ये अब तीसरी दरी यहाँ पर आ जाएगी, जो रिमेनिंग एरिया जो अब हमारा यहाँ बचा है यहाँ पर तीसरी वाली। तो अभी कुछ ऐसा लुक है ड्राइंग रूम का, इट लुक्स नाइस। मिलात के लिए ऑलमोस्ट हो गया रेडी, इसके बाद चांदनी आई थिंक डलेगी फिर और बेहतर लगेगा। इज दिस, ये हमें डेकोरेट करना है, इस एंट्रेंस पर यहाँ लगानी है सारी ये। इट लुक्स नाइस ना है शेजी, इट लुक्स नाइस। ये हो गई एक जो बची थी वो हमने यहाँ पर लगा दी है। आजा आजा अंदर आजा, शाम करें अस्सलाम वालेकुम बोले करें, अस्सलाम वालेकुम कर दें जल्दी से, फूफो जल्दी से, दादी हैं दादी। जल्दी से करते हैं अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर हमने जो थी हो गया फिनिश, और जो बाकी बची थी वो हमने इधर ये वाली एंट्रेंस पे लगा दी। ये भी यहाँ पे रेडी हो गया और ये ड्राइंग रूम भी हमारा सारा सेटअप हो गया है, बस जितना भी हमें डेकोरेट करना था। ओह माय गॉड, वाओ। मेकअप तो मैं घर से ही रेडी करके आ गई थी, अब हेयरडू मैंने यहाँ आके डन किया है, अब मेरा हेयरडू भी हो गया है एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, बस मिलाद वाली आने वाली है ऑलमोस्ट, देन हमारा मिलाद स्टार्ट हो जाएगा। सो लुक एट माय हेयरडू। माफ करे, बहुत मनहूस लग रहा हूँ। ओके जी, सो अब मिलाद वाली आ गई है, ऑलमोस्ट मिलाद जो है वो अब स्टार्ट होने लगा है, मैं भी मिलाद में बैठने के लिए जा रही हूँ। इंसान की वजह से ब्रेक हुआ है तो जो है अभी मिला जो है दोबारा कंटिन्यू होगा, अच्छे खासे लोग जो है वो आ गए, स्टार्ट हो गए। मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा करो उम्मत के, आते
का तो बोल दिया था ये। अभी रुको, दे रही हूँ दे। ये लेना ना, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, दे रही हूँ, एक मिनट बैठो आप लोग जाके, दे रही हूँ, सबर करो। उनको भी बुला देना शादी में, अभी को भी। हम लोग का एंड हो गया, हम लोग जो है वो डिनर की सर्विंग की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई, 10 समय लग गया, अंदर न्यास चल रही है, न्यास हो जाए फिर उसके बाद हम लोग जो है वो डिनर स्टार्ट कर देंगे सबका इंशाल्लाह। यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, अभी न्यास जल रही है, फिर निकाय फिर स्टार्ट करेंगे सब, अभी लोग बैठे हुए हैं बातें करते हैं। एक कितनी देर है, तीन है, चलो मैं समझी एक ही इतने सारे लोग हैं। निकाल दो, क्या बोलती हूँ, जाए डालो, स्पून भी लगा दो इसमें, स्पून तो दो, यहाँ का है स्पून है किसी के पास, ट्रे वाला इसमें लगा दो, स्पून लगा के लेके जाओ, ये वाला और इसमें और दो, जर्दा भी निकाल निकाल के दो जल्दी जल्दी, एक ही प्लेट में निकाला अभी, लाओ भी दे दो, लाओ दे दो, दे दो, लाओ दे दो, बस चार प्लेट्स में जी। डिनर हो गया स्टार्ट, बिरयानी और जर्दा सब लोग हो गए, अब डिनर करना, ट्रे भी दे दो इसमें और ला के दूँ, ये ले रखना बेटा, आगे पास कर दो, स्पून रखना, दे देगा कि स्पून भी ला के दो, आगे कर दो, ये लो इससे, इसको बोलो ले, ये लेना जरा, ट्रे लो आगे, दर आगे रख दो, वहाँ से भी जो जो प्लेट्स हो गई ना फ्री है सारी कलेक्ट कर लो, ये वाली भी देना नसरीन में, अभी जरा प्लेट उठाना, ये वाली वो वाली भी दो, थैंक यू, ओके बस। अब ये जो है और लेडीज़ की ऑलमोस्ट ये लास्ट शिफ्ट है, फिर हम लोग बस खुद खाना खाने वाले हैं, वही फ्रेश हो गया पहली है ये, चलो दूसरी स्टार्ट, बोटी खो खो के ना, बोटी खो खो के, आप बोटी जैसे हो गए हैं बिल्कुल, देने जा रहा हूँ किसको, दे लो अपनी मम्मा को, खाना खाओगी भाभी तुम, भाभी खाना खाओगी, निकालूँ, भूख लग रही है यार, कैसे चेजू क्या या ही बोला या, लोगों ने खा लिया तुमने खाना, तीन प्लेट लग तो नहीं रहा आपकी कहीं सेहत से कि तीन प्लेट्स आई हैं इसके अंदर, ओ लिट, आपने खा लिया बेटे खाना, आपने खाया खाना, यस मुझे भी भूख लग रही है, क्योंकि मोस्टली सब लोग खा चुके हैं तो आई थिंक मुझे भी खाना खा लेना चाहिए है, तो मैं भी लेने जा रही हूँ अपने लिए, प्लीज़ इस प्लेट में कोई मुझे दे सकता है, दे सकते हैं आप मुझे, एक दे दो यार मुझे, मुझे कैसे चाहिए मैं बता देती हूँ, मुझे चाहिए मसाले वाले चावल थोड़ा नीचे से और एक बोटी बस, बिरयानी की चौकीदारी कर रहे हैं आप क्या, चावल हाँ डाल दें, साथ साथ ही आ जाएंगे, थोड़ी बार एक बोटी डाल दें, दो अब डालो अब आपको ये बात समझ आ गई है कि बस जब निकाल ली हो सिर्फ जब ही देख खोल ली है, वरना ये ठंडे हो जाएंगे राइस, किसी के भी यूज के लिए नहीं रहेंगे ये, ठीक है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल
nice. अब फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और आज मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ. ये मेरा फाइनल लुक था. सांस फूल रही, अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ ना तो थोड़ा सांस फूल रही है. अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ शहीरा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.